अपनी ज़िंदगी के अंदर मफहूम ज़िंदगी का ये बना लिया जाए कि जो काम भी करना है वो खलूस के साथ करना है। ये जो रियाकारी होती है ना, दिखावा, ये इंसान को ज़हनी अज़ियत का शिकार कर देता है। दिखलावे वाला आदमी फिर हर वक्त इस माहौल में रहता है कि किसी ने देखा कि नहीं। मैंने देखा है कि लोग तारीफ़ के इतने भूखे हो जाते हैं कि वो उन कामों की भी तारीफ़ मांगते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं होते। आप जब लिल्लाहियत वाले हो जाते हैं, आजजी वाले हो जाते हैं, खलूस वाले हो जाते हैं, जब आपका दिल अपने रब से जुड़ जाता है और आपको छुपने का दिल करता है, थोड़ा साइड पे होने, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है। और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस प्यारे के नाम करें। एक टाइम आता है कि इंसान जगह ढूंढता है कि मैं कहीं छुप जाऊँ, कहीं अकेले बैठ के रब को याद करूँ। उसका दिल करता है कि कहीं को रात ऐसी भी मिले कि मैं रब की बारगाह में रोऊँ। कभी वो अपनी मजबूरियों पर रोना चाहता है कि मालिक फलां चीज़ क्यों नहीं, और कभी उसका इस बात पर रोने को दिल करता है कि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं, मैं तो इस काबिल ही नहीं। इस पर भी रोने को जी चाहता है। रियाकारी, दिखलावा, तसन्नो, बनावट, तारीफ़ की ख्वाहिश, ये इंसान के दिल में खटकती है, सुई की तरह चुभती है। अगर बंदा मुखलिस फिद्दीन हो जाए तो फिर इन सारे तकल्लुफात से जब वो बचता है तो वो महसूस करता है कि ज़िंदगी आसान हो गई, कि जो सादा ज़िंदगी होती है ये आसान होती है, इसमें बंदा मुखलिस रहता है।